बहरुल बहर पैसिफिक ओशन, पेसिफिक काहल, आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन बरेआजम अफ्रीका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बर अजम शुमाली अमरीका जनूबी अमरीका साउथ अमेरिका बहद इंडियन ओशन कॉन्टीनेंट अफ्रीका कॉन्टीनेंट एंटार्क्टिका ग्रीन लैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा बेफिन बे आप नाए बेफिन नॉर्थ पोल सर्कल कुतब शुमाली का सर्कल इक्वेटर ख़ते इस्तवा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ वाटर पानी की हरकत पानी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मूवमेंट या आम तो रफ़ नकलो हरकत पानी की नकलो हरकत एक जगह से दूसरी जगह तमाम ये जितने भी बड़े समंदर हमने पढ़े दुनिया के पांच बड़े समंदरों के बारे में जिनमें से दो तो जमे हुए हैं बहर शुमाली और बहर मजमान जनूबी लेकिन इन दोनों में भी पानी की मूवमेंट होती है ये अलग बात है कि इनका पानी जो है वो बर्फ़ की सूरत में जमा हुआ है लेकिन ये इन ऐसी सूरत में इनके पूरे पूरे बर्फ़ के बरवानी पहाड़ बरवानी तोदे ग्लेशियर जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहरहाल पानी इन शॉर्ट ये कि मुख्तसर ये कि पानी की हरकत तीन किस्म की होती हैं बुनियादी तौर पर पहली किस्म वेव्स पानी लहरों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अप्स एंड डाउन्स मद्दर आते हैं उन लहरों में समंदर के किनारे तलबा ने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा और उनके मुशाहे में ये बात आई होगी दूसरी जो अहम मूवमेंट है वाटर की वो टाइट्स कहलाती है ये भी पानी का अप एंड डाउन होना पानी का अप एंड डाउन एक दफ़ा क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर जो है वो एक टाइड कहलाते हैं एक दफ़ा अप और एक डाउन अप, अप डाउन अप एंड डाउन तो ये क्रस्ट और ट्रफ जो है वो राइजिंग एंड फॉलिंग पानी का ऊपर उठना और नीचे वापस आना पानी की सतह का लहर का समंदर की तरह से ऊपर उठना और नीचे वापस जाना यानी ये ऊपर उठना और नीचे फिर ऊपर ये जो इसको टाइट कहते हैं थर्ड जो मूवमेंट है पानी की वो करंट्स कहलाती है ये मुस्किल हरकत है पानी की समंदर के अंदर सतह uh, सतह पर सरफेस वाटर की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह पानी की सतह की बाकायदा मूवमेंट जो है बाकायदा हरकत जो है वो करंट कहलाती है लहरें और जब ये बनती हैं व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन द ओशन समंदर में जब ये लहरें पैदा होती हैं द सर्फेस वाटर मूव फ्राम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर जब कभी समंदर के अंदर ये लहरें पैदा होती हैं तो समंदर की सतह का पानी एक जगह से दूसरी समंदर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाता है दूसरे हिस्से की जानब की तरफ हरकत करता है तो ये समंदर की तीन बुनियादी पानी की सॉरी समंदर की नहीं पानी की तीन हरकत हमने पढ़ी आगे अगला हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ़ करंट्स यानी लहरों का बनना इनकी अहमियत और खसूसियात